नाम सुना है कभी इसका? इसका नाम लिखने के बाद एक सनसनी फैल जाती है जिन्होंने पढ़ रखा है थोड़ा भी। ये चैप्टर उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने सर्विस टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी पढ़ रखी है। ये चैप्टर उन्हीं लोगों को समझ में आया, घबराने वाली बात नहीं है, समझ में सबको आएगा लेकिन बढ़िया तरीके से समझ में उन्हीं को आएगा जिन्होंने ये दो चैप्टर ढंग से पढ़ रखे। मैं पहले बैकग्राउंड ले चलता हूँ कहानी कि है क्या ये सैंडविच क्रेडिट। हम लोग को अच्छी तरह मालूम है कि हम लोग बार बार टैक्स देते हैं। ढंग से देखना, इधर ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, ये मैन्युफैक्चरर है और ये होलसेलर है। इसने सामान बनाया, कॉस्ट लगी 1 लाख और इस 1 लाख पर 10,000 का वैट एक्सक्लूड है, ठीक है ना। 1,10,000 रुपए सामान खरीदा, 50,000 का रॉ मटेरियल होगा, 30,000 का लेबर होगा, 20,000 का ओवरहेड होगा, कुछ इस तरह से होगा, और जो रॉ मटेरियल इसमें शामिल है वो जो इसने खरीदा है उस पर इसने वैट दिया हुआ है। हो सकता है, नहीं पक्की बात है, लेकिन हम लोग यहां पर किसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक्साइज एंड इसने एक्साइज ड्यूटी दे रखी है। कौन सी ड्यूटी दे रखी है मान ले, प्लस प्रॉफिट 20,000, कितना हो गया 1,20,000। इसने सामान खरीदा कितने में, 1,20,000 में, बोलो। अब जो मैं तुम लोगों से पूछने जा रहा हूं वो बताओ, क्या हम लोग एक्साइज ड्यूटी को अलग करके दिखाते हैं या जोड़ करके दिखाते हैं? ढंग से सुनना मेरी बात, अलग करके दिखाते हैं या ऐड करके दिखाते हैं? थोड़ा और सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, मारो गोली सर जी इसको। 1,00,000 रुपए कॉस्ट लग गई प्लस प्रॉफिट 1,20,000 प्लस व्हाट एक्साइज ड्यूटी 12,000 ले ले, बोलो ना कितना हो गया 1,32,000। इसने सामान खरीदा होगा टोटल कितने में, जिसमें 12,000 क्या शामिल है, एक्साइज ड्यूटी, पक्की बात है, हाँ या ना। और हम लोग बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर करने पर, कोई नया गुड्स आइडेंटिटी में आता है तो वहां एक्साइज ड्यूटी लगती है, हाँ या ना। क्या इसको होलसेलर माने या इसको मैन्युफैक्चरर माने, मैन्युफैक्चरर नंबर 2, इसको मैन्युफैक्चरर नंबर 2 मानो, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी तो तभी लगेगी जब मैन्युफैक्चर होता है कोई सामान, क्लियर। अब इस मैन्युफैक्चरर ने 12,000 रुपए एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट कर दिया, 50,000 और ऐड किया, 18,000 का प्रॉफिट और ऐड किया, कितना हो गया 8,000, 2,00,000 2,00,000 हो गया। इसको अब एक्साइज ड्यूटी देनी है 20,000 रुपए। क्या ये उचित है कि एक ही ड्यूटी दो बार दी जाए? अब याद आ रहा होगा तुम लोग को वैल्यू एडेड टैक्स, सेम वही चीज यहां पर भी है।
क्या वही ड्यूटी 12,000 ये दोबारा नहीं दे रहा? दे रहा है, दे रहा है ना। कहा गया ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस ड्यूटी का इसको क्रेडिट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? क्रेडिट मिलना चाहिए। द ड्यूटी विच हैज ऑलरेडी बीन पेड बाय द मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स मस्ट बी टेकन एज अ क्रेडिट। हाँ है ना। अब वो 20,000 रुपए गवर्नमेंट को नहीं देगा, 12,000 का क्रेडिट ले लेगा। वैट में हम लोग क्या करते थे, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है, कुछ ऐसा रहता था सीन। लेकिन अब यहाँ पर वैसा सीन नहीं है, यहाँ मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट स्टेज डीलर, सेकंड स्टेज डीलर, वो भी देखेंगे। फिलहाल हम लोग वहाँ पर अभी चूंकि पहुँचे नहीं है तो मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर ही लेकर के चलो। क्लियर है? तो हम सैंडविच क्रेडिट ले लेंगे। सैंडविच क्रेडिट, ओ नाम आता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। ये वो वैट नहीं है जो तुम लोगों ने पढ़ रखा है। पहला कन्फ्यूजन कि सर क्या ये वो वैट है? ये है वैट स्टेट वैट। ये क्या था? लेकिन अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं, CN का मतलब क्या है? सेंट्रल वैट। क्लियर है? और वैट का मतलब वहां पर परचेज और सेल पर टैक्स चार्ज करना स्टेट वैट में आता था। विद इन द स्टेट सामान को बेचना स्टेट वैट में आता था, और आउटसाइड स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचना CST में आता था। तो ये कौन सा वैट है? वैट का मतलब सेल्स टैक्स नहीं होता, मैंने कभी बोला ही नहीं। वैट का मतलब द टैक्स विच इज टू बी इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडिशन। द टैक्स विच इज टू बी इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडिशन इज नोन एज वैल्यू एडिशन टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स ये सेंट्रल लेवल का है। ये दो टैक्सेस हैं, सम ढंग से सुनना, ये दो टैक्सेस हैं सेंट्रल लेवल के, दो टैक्सेस हैं। पहला एक्साइज ड्यूटी और दूसरा सर्विस टैक्स। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर पे लगती है, बोलो ना, ऑफ व्हाट? गुड्स। और सर्विस टैक्स प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज पर। ओ यानी सर्विस प्रोवाइड करते समय जो ड्यूटी लगेगी वो कहलाएगी सर्विस टैक्स, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के समय जो ड्यूटी लगेगी वो कहलाएगी एक्साइज ड्यूटी। क्लियर है? और अगर हम दोनों को कॉमन नाम दें तो जानते हो क्या नाम देंगे? आश्चर्य करोगे, दोनों को अगर कॉमन नाम दें तो जानते हो क्या नाम देंगे? सैंडविच। दोनों को अगर कॉमन नाम दिया जाए तो कहा जाएगा सैंडविच। यानी जो हम सर्विस टैक्स का पेमेंट करते हैं उसको हम सैंडविच के नाम से पुकारें, जो हम एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट करते हैं उसको हम सैंडविच के नाम से पुकारें। और जब हम इस सैंडविच का यानी ड्यूटी का यानी सर्विस टैक्स का क्रेडिट लेंगे, फायदा लेंगे, ताकि बार बार हम पेमेंट ना करें, उस क्रेडिट को हम लोग कहते हैं सैंडविच क्रेडिट। यानी ड्यूटी का क्रेडिट, किसका क्रेडिट? ड्यूटी का क्रेडिट, जो ड्यूटी हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द क्रेडिट ऑफ दोज ड्यूटीज। अब चाहे वो आपकी ड्यूटी सेल्स टैक्स हो, कौन सी टैक्स हो, सेंट्रल सेल्स टैक्स सॉरी सर्विस टैक्स हो, या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो, सॉरी CST नहीं, एक्साइज ड्यूटी हो या फिर सर्विस टैक्स हो, इन दोनों का बेनिफिट आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा जरा देखा जाए, हटा दें। ये मैन्युफैक्चरर है, ढंग से देखना चीजों को, और ये सर्विस प्रोवाइडर है। पक्की बात है, इसने इनपुट लिया, क्या लिया? इसने कैपिटल गुड्स का यूज किया, हाँ या ना? अरे बोलना। और इसने सर्विसेज का यूज किया, अच्छा जी,
यानी मैन्युफैक्चरर तीन चीजों का यूज कर रहा है, एक तो इनपुट, और इनपुट खरीदते समय उस पर एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट कर रहा है, कैपिटल गुड्स, अरे जो बंदा सामान बेच रहा है, मशीन बेच रहा है, उसके लिए तो मशीन ही नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, गुड्स है, वो मशीन बेच रहा है तो उसका धंधा ही है मशीन बेचने का, तो वो तो एक्साइज ड्यूटी वसूलेगा ही वसूलेगा। जो आदमी हमको रॉ मटेरियल बेच रहा है उसके लिए वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसके लिए वो गुड्स है। तो जहाँ जहाँ से मैंने सामान खरीदे मैंने वहाँ एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट किया, मैंने जहाँ जहाँ से सामान खरीदे कैपिटल गुड्स का मैंने वहाँ वहाँ एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट किया, और तीसरा मैंने जहाँ जहाँ से सर्विसेज ली हैं मैंने वहाँ वहाँ सर्विस टैक्स का पेमेंट किया होगा, नहीं किया होगा? अरे किया होगा या नहीं किया होगा? अब बताओ इस मैन्युफैक्चरर ने इस इनपुट पर एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट किया, कैपिटल गुड्स पर एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट किया और सर्विसेज पर सर्विस टैक्स का पेमेंट किया, और प्रोडक्ट निकल करके सामने आया, हाँ या ना बोलो? और जब इस प्रोडक्ट को बेचा जाएगा ना, जाहिर सी बात है बेचा जाए या ना जाए एक्साइज ड्यूटी लगनी ही लगनी है। एक्साइज ड्यूटी कभी भी सेल पर नहीं लगती, मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है, हाँ या ना? चाहे सामान सेल हो या ना हो, हाँ कलेक्शन हम रिमूवल के समय करते हैं, दैट इज अनदर मैटर। तो अब सेल के समय हम इस पर क्या चार्ज करेंगे? एक्साइज ड्यूटी। कहा गया कि ये जो एक्साइज ड्यूटी अब वसूलनी है इसमें से इनकी क्रेडिट ले लो, जो बैलेंस बचा नेट ड्यूटी पेबल होगा। समझ में आई बात? हम इसी क्रेडिट के लिए इस चैप्टर की स्टडी करने जा रहे हैं, हम इसी क्रेडिट के लिए इस चैप्टर की स्टडी करने जा रहे हैं। ये किसके लिए था? अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं। मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, क्या मेरे यहाँ इनपुट नहीं लगता? और यहाँ पेन लगती है? नहीं लगता। फर्नीचर लगता है, मैन्युफैक्चरिंग आइटम है, एसी है, टीवी है, ये सब क्या है? इनपुट। हो सकता है मेरे यहाँ कैपिटल गुड्स लगता हो, बोलो ना, मोटर व्हीकल वगैरह। अच्छा, हो सकता है मैंने किसी दूसरे से सर्विस लेकर आपको दी हो, ठीक, मैंने इनको एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट किया, मैंने जिससे सर्विसेज ली उसको सर्विस टैक्स का पेमेंट किया। यानी अब मैंने तीन चीज़ों का पेमेंट किया है, एक्साइज ड्यूटी ऑन इनपुट, एक्साइज ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब सर्विसेज प्रोवाइड करते समय मेरे ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा। इसकी क्रेडिट ले लो बेटा, नेट सर्विस टैक्स लायबिलिटी। अब समझ में आई बात? अरे बोलो ना। हम लोग इस सर्विस, इस क्रेडिट का सैंडविच क्रेडिट की स्टडी करने जा रहे हैं, हम इस सैंडविच क्रेडिट की स्टडी करने जा रहे हैं। अब मैं जो चार लाइनें पढ़ने जा रहा हूँ, आधा बर्ज़े मत बोलना, अब जो चार लाइनें पढ़ूंगा ढंग से सुनना। रूल नंबर 3, मैं केवल अभी पढ़ रहा हूं, बाद में तुम लोग को फिर से अपने आप समझ में आएगा, फिलहाल जो चीज लिखी है यही चीज लिखी है। रूल नंबर 3, सीधे हम लोग रूल नंबर 3, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है तुम लोग को, डायरेक्ट हम लोग रूल नंबर 3 देखने जा रहे हैं। एंड दिस इज योर बेसिक रूल, जो सारे रूल्स पर भारी पड़ता है। एक बार अगर समझ में आ जाए तो टेंशन खत्म। समझ में आ गया होगा? नहीं आया? आ गया, देखते हैं क्या लिखा है। अ मैन्युफैक्चरर, सुन, अ मैन्युफैक्चरर एंड एन आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर कैन टेक क्रेडिट, कैन टेक क्रेडिट, दोनों के बारे में, अ मैन्युफैक्चरर एंड एन आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर कैन टेक क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, किसकी क्रेडिट? एक्साइज ड्यूटी, कैन टेक क्रेडिट ऑफ
एक्साइज ड्यूटी ऑन इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स किसकी किसकी क्रेडिट ले सकता है? एक्साइज ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विसेज। अरे हम लोग को तो समझ में आ गया, नहीं समझ में आई बात? कितनी सिंपल सी लाइन है नहीं। अब हम ये बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरर एंड एन आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर, नींद आ रही है बहुत बैंकर, उसको आ रही थी अब इधर आ रही है नींद, मैंने सोचा उसको कपड़ा मारे लेकिन कपड़ा मारने के पहले उसकी आंखें खुल गई। हाँ तुम्हारी बड़े बेटा बड़ी भयंकर नींद आ रही थी, हमने हाथ उठाया था ना कपड़ा, बस मारने ही जा रहे थे तब तक आंखें उसकी खुल गई। कल से गुब्बारे रखेंगे छोटे छोटे पानी भर करके। हाँ देखो करे, हाँ मतलब सोएगा, जिद्दी है, मतलब पहले से ही मालूम है सोना जरूरी है। ढंग से सुनना, अ मैन्युफैक्चरर एंड एन आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर कैन टेक क्रेडिट ऑफ ड्यूटी पेड ऑन इनपुट एक्साइज ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स एक्साइज ड्यूटी, दोनों के केस में, एंड सर्विस टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विसेज। क्लियर है? अच्छा जी आगे, सच क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स टुगेदर, सच क्रेडिट, ढंग से सुनो कितनी बड़ी बात बोल रहा है, लिख रहा है, सच क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स टुगेदर इज नोन एज सैंडविच क्रेडिट। दोनों को मिलाकर जब हम बात करते हैं, दिस इज योर सैंडविच क्रेडिट, दोनों को मिलाकर के जब बात कर रहे हैं, ये सैंडविच क्रेडिट क्लियर है, उसमें सर्विस टैक्स भी शामिल है और उसमें एक्साइज ड्यूटी भी शामिल है। क्लियर? दिस क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड टू पे, आखिर हम इस क्रेडिट को कहां पेमेंट करने में यूज कर रहे हैं? या तो एक्साइज ड्यूटी पेमेंट करने में यूज कर रहे हैं या तो सर्विस टैक्स की ड्यूटी पेमेंट करने में कर रहे हैं। तो लिखा है दिस क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड टू पे एक्साइज ड्यूटी ऑन फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस टैक्स ऑन आउटपुट सर्विसेज, हाँ, इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग कंडीशंस, होगा देखा जाएगा। सैंडविच क्रेडिट रूल्स 2004 पूरा पढ़ना बाकी है, हटा सकते हैं या नोट करोगे? नोट कर लोगे तो बहुत अच्छे फायदे में रहोगे। अगर ये समझ में आ गया तो आगे की चिंता नहीं करनी। नोट कर लिया? हटा सकते हैं? अब हम लोगों को कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, ढंग से सुनेंगे। सर ये इनपुट का मतलब क्या होता है? पहली चीज़, इनपुट के अलावा इनपुट गुड्स का मतलब क्या होता है और इनपुट सर्विसेज का मतलब क्या होता है? दिस इज़ योर इनपुट सर्विस
एंड दीज आर योर इनपुट गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है ये भी तो जानो। इनपुट अलग होता है, कैपिटल गुड्स अलग होता है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। जब हम लोग कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, हाँ अभी पढ़ने जा रहे हैं, जब हम कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें तुम लोग कई चीजें देखोगे, और जब हम लोग इनपुट की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें से साफ साफ लिखा होगा हटाओ इन लोगों को, यानी दोनों अलग अलग चीज है। इनपुट अलग चीज है, कैपिटल गुड्स अलग चीज है। दोनों की डेफिनेशन देखनी है, इनपुट सर्विस की डेफिनेशन देखनी है। फर्स्ट स्टेज डीलर, सेकेंड स्टेज डीलर, सर्विस प्रोवाइडर, आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर, इन सब की डेफिनेशन देखनी है। स्टार्ट कहां से करें? कैपिटल गुड्स से। और ये सारी चीजें हम लोग को मिलेगी, जो अब हम लोग सैनवेट क्रेडिट पढ़ने जा रहे हैं वो है सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004। सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004। अब तुम लोगों को वो सब कंसेप्ट काम आएगा जो मैंने सेक्शन 3, 1, 3, 3, 3, 5 कुछ पढ़ाया था ऐसा एक्साइज में, कस्टम में पढ़ाया था ना 3, 1, 3, 3 और 3, 5। तो 3, 5 को मैंने बोला था बेटा ये चीज़ आगे बहुत यूज़ होने वाली है सैनवेट क्रेडिट में, बोला था, वो देखोगे। फिलहाल ये समझ में आया, हटा सकते हैं। सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004, हम लोग CCR रूल्स 2004 पढ़ने जा रहे हैं। टेंशन लेने के लिए तैयार? बोलो। अगर मन अच्छा रहेगा तो पढ़ने में खूब मजा आएगा। ये जो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन से देखने जा रहे हो, कैपिटल गुड्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और अगर कैपिटल गुड्स ढंग से समझ में आ गया तो हम लोग को इनपुट समझने में टाइम नहीं लगेगा, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एग्ज़ाम में अगर आ जाए CA फाइनल में, किसकी बात कर रहा हूँ, डिफाइन कैपिटल गुड्स अंडर सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004, बच्चे टाएँ टाएँ, फिश से या फिश? अच्छा फिश, ठीक है ना, फिश फिश नहीं होता। तो हम लोग कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, और ढंग से समझना बहुत ही सिंपल है, और एक बार यहाँ सेट हो गई तो फिर निकलेगी कि नहीं, टाइम लेगा अभी पूरा, ये क्योंकि पूरा सवा पन्ने का डेफिनेशन है तो टाइम तो लेगा। कैपिटल गुड्स मीन्स द फॉलोइंग गुड्स नेमली, ढंग से सुनना, कैपिटल गुड्स मीन्स द फॉलोइंग गुड्स नेमली, इसमें ये चीजें शामिल हैं। कौन कौन सी चीजें? ऑल गुड्स, कैपिटल गुड्स, यानी हम लोग छोटे मोटे सामानों की बात नहीं कर रहे, इनपुट गुड्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं, मशीनरीज वगैरह की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मशीनरीज की बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें लगने वाले एसेसरीज और कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, मोटर व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, हाँ या ना? अच्छा, कैपिटल गुड्स मीन्स द फॉलोइंग। पहला, ऑल द गुड्स फॉलोइंग अंडर द चैप्टर 82, 84, 85, 90। All the goods falling under the chapter 82, 84, 85, 90. बोलो 82, 84, 85, 90। ऐसी गिनती शायद तुम लोग को फर्स्ट सेकंड में नहीं सिखाई गई, सिखाई गई होती तो आज इतनी मुश्किल का सामना नहीं करते। तुम लोग 82 के बाद 83 बोलते हो, तो इसमें 83 नहीं है, गिनती अजीब है। तो ऑल गुड्स फॉलिंग अंडर द हेडिंग अंडर द चैप्टर 82, 84, 85, 90 एंड हेडिंग 6805, छोड़ देते हैं हेडिंग 6805, तो कितने चैप्टर्स में फॉल करने वाले गुड्स? चार, 82, 84, 85, 90, 6805, ठीक। तो कहने का मतलब ये कि इन चार चैप्टर्स में फॉल करने वाले गुड्स हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं,
इन चार चैप्टर्स में आने वाले गुड्स हमारे कैपिटल गुड्स होंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट दूसरा, दूसरा क्या है? पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। पहला क्या था? गुड्स फॉलिंग अंडर द चैप्टर 82, 84, 85, 90 और पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। अच्छा, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट बोलो या फिर 82, 84, 85, 90 में शामिल होने वाले एसेसरीज और कंपोनेंट को ले लो। आखिर तुम मोटरसाइकिल लेकर निकलते हो तो साथ में एसेसरीज भी तो लेकर निकलते हो कि एसेसरीज पीछे छोड़ देते हो? साथ में उसके एसेसरीज भी तो चलती हैं कैपिटल गुड्स के, नहीं चलती? नहीं चलती, चलती। तो कह रहा है कॉम्पोनेंट्स पेयर्स एंड एसेसरीज ऑफ द गुड्स स्पेसिफाइड अबव 1 और 2, जो मैंने अभी बोला। तो कैपिटल गुड्स मीन्स द फॉलोइंग। नंबर वन, गुड्स फॉलिंग अंडर द चैप्टर 82, 84, 85, 90, 68, 05 एंड पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट एंड कॉम्पोनेंट्स पेयर्स एंड एसेसरीज ऑन अबव 2, पहले और दूसरे में जो एसेसरीज कॉम्पोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स लगे वो बोलो। अच्छा, मोट्स एंड डाइज, जिक्स एंड फिक्सचर्स, रिफ्रैक्टरी एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ट्यूब्स एंड पाइप्स, स्टोरेज टैंक एंड मोटर व्हीकल, दैट्स इट। मोट्स एंड डाइज, जिक्स एंड फिक्सचर्स, रिफ्रैक्टरी एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, ट्यूब्स एंड पाइप्स, स्टोरेज टैंक्स एंड मोटर व्हीकल। कुल मिलाकर के यही समझ में आया, कैपिटल गुड्स में इतनी चीज़ें आती हैं। कितनी चीज़ें आती हैं? इतनी चीज़ें आती हैं। अरे कितनी चीज़ें आती हैं? पहला 82, 84, 85, 90, 68, 05 हेडिंग में। दूसरा पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट और इन दोनों पर लगने वाले कॉम्पोनेंट्स पेयर्स एंड एसेसरीज, मुट्स एंड डाइज, जिक्स एंड फिक्सचर्स, स्टोरेज टैंक्स, ट्यूब्स एंड पाइप्स, रिफ्रैक्टरी एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल एंड मोटर व्हीकल्स। फिर से बोले एक बार, पहला क्या था? चैप्टर 82, 84, 85, 90। दूसरा पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट और इन दोनों पर लगने वाला, हाँ, स्पेयर पार्ट्स कंपोनेंट एंड एसेसरीज, इन दोनों पर लगने वाला। फोर्थ, मोट्स एंड डाइज, जिक्स एंड फिक्सचर्स, रिफ्रैक्टरी एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ट्यूब्स एंड पाइप्स, स्टोरेज टैंक एंड मोटर व्हीकल, दैट्स इट। इतनी चीज़ें। अब सुनो ढंग से, केवल इतना नाम ना याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं था, इम्पॉर्टेंट ये था कि ये सारे सामान जिनके नाम हम लोगों ने लिया, ये यूज़ होते हैं किस में? ये सारे सामान यूज़ होते हैं किस में? मैन्युफैक्चरिंग में। कहाँ पे? इन द फैक्ट्री और आउटसाइड द फैक्ट्री? इन द फैक्ट्री, केवल और केवल इन द फैक्ट्री। लेकिन हाँ, ये सारे सामान आउटसाइड द फैक्ट्री यूज हो सकते हैं केवल एक कंडीशन में, अगर हम बिजली का प्रोडक्शन कर रहे हैं कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, तो यानी अपने पर्पस के लिए, अपनी फैक्ट्री के प्रोडक्शन पर्पस के लिए मैंने एक पावर हाउस बनाया हुआ है, उसमें ये सामान मैं, जाहिर बात है ऐसा थोड़ी कि फैक्ट्री के अंदर पावर हाउस बना दे, जो बगल से जाएगा तो काम कहाँ से करेगा, वो काम नहीं करना। हमने पावर हाउस थोड़ा दूर बनाया हुआ है ताकि काम आसानी से हो सके। तो इन द फैक्ट्री प्रोडक्शन पर्पस के लिए, आउटसाइड द फैक्ट्री ऑल द कैपिटल गुड्स आर परमिसिबल टू यूज आउटसाइड द फैक्ट्री इफ दीज थिंग्स विल बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच विल बी यूज इन द फैक्ट्री इटसेल्फ एज अ कैप्टिव कंजम्पशन। हाँ या ना? तो दो चीज़ें तो समझ में आई। कैपिटल गुड्स में क्या क्या आता है? 82, 84, 85, 90, 68, 05 एंड पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट और इन दोनों में लगने वाले एसेसरीज, स्पेयर्स एंड कॉम्पोनेंट्स और डाइज एंड मोट्स, जिक्स एंड फिक्सचर्स, स्टोरेज टैंक्स, ट्यूब्स एंड पाइप, स्टोरेज टैंक, ट्यूब्स एंड पाइप्स, रिफ्रैक्टरी एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल एंड लास्ट बताया था मोटर व्हीकल्स। क्लियर है? इन सारे सामानों को कहाँ यूज करो? अब मैं पढ़ता हूँ, यूज्ड, ये सारे सामान यूज्ड वेयर इन द फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट बट डजंट इंक्लूड एनी इक्विपमेंट, छोड़ दो। Used outside the factory of the manufacturer of the final product for generation of electricity for captive use within the factory or for providing output services। जाहिर सी बात है कि ये सामान कैपिटल गुड्स और इनपुट, कैपिटल गुड्स कहाँ यूज़ हो रहा था? मैन्युफैक्चर में,
कैपिटल गुड्स कहाँ यूज़ हो रहा था? सर्विस में, ठीक है ना, दोनों जगह यूज़ हो रहा था। तो नीचे वाली तीसरी लाइन है सर्विस प्रोवाइडर के लिए, क्लियर है। अच्छा, मोटर व्हीकल को जब हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा तो उसमें लिखा था मोटर व्हीकल अदर देन दोज फॉलिंग अंडर द हेडिंग 8702, 8703, 8704, 8711। तो 8702, 8703, 8704 और 8711, इन चारों को हटाया गया, मोटर व्हीकल वो शामिल नहीं है। सर ये कौन सी मोटर व्हीकल है, इनको शामिल क्यों नहीं किया गया? ये वो मोटर व्हीकल्स हैं जो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, डंपर्स होते हैं ना, जो सामान को इधर से उधर लाने और ले जाने में यूज़ करते नहीं होते, हाँ या ना, टिपर्स, डंपर्स, इनको शामिल करते हैं। लेकिन क्या शामिल नहीं होंगे? 8702, 8703, 8704, 8711, क्लियर है। तो मोटर व्हीकल में ऐसे मोटर व्हीकल को हटाया गया जो इन चैप्टर्स में शामिल होते हैं, उनको हटा दो। लेकिन जब हम लोगों ने पहला पॉइंट पूरा ख़त्म किया ना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट कहता है मोटर व्हीकल, तीसरा पॉइंट कहता है मोटर व्हीकल, पहला पॉइंट क्या था? सारा कुछ। दूसरा पॉइंट किसके बारे में है? मोटर व्हीकल किसको यूज़ करते हो? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। अरे बोल, मोटर व्हीकल किस में यूज़ होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए, पॉइंट नंबर थ्री। तो पॉइंट नंबर वन में तो सारी चीज़ें आ गई थी, वो मोटर व्हीकल शामिल होते हैं जो विद इन फैक्ट्री यूज़ होते हैं। अरे फैक्ट्री के बाहर भी मोटर व्हीकल यूज़ होता है, अगर पैसेंजर के लिए यूज़ है तो पॉइंट नंबर टू, अगर गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है तो पॉइंट नंबर थ्री, क्लियर है। अच्छा, और लास्ट है कॉम्पोनेंट्स, स्पेयर्स एंड एसेसरीज ऑफ मोटर व्हीकल, जो ऊपर मैंने बताया। बात खत्म, कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन सोचो खत्म हो गई, हम लोगों ने खत्म कर ली इतनी बड़ी डेफिनेशन। पहला पॉइंट तो तुम लोग को समझ में आया, दूसरा कह रहा है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तीसरा कहता है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, और फोर्थ पॉइंट कहता है मोटर व्हीकल पर लगने वाले एसेसरीज और कॉम्पोनेंट्स एंड स्पेयर पार्ट्स। बात खत्म, क्लियर है। तो हमें अगर पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर थ्री पता चल जाए तो हमारा ये डेफिनेशन खल्लास, बोलो ना। पॉइंट नंबर टू कहता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विद इन द फैक्ट्री, नहीं, अब चाहे विद इन द फैक्ट्री बोलो चाहे आउटसाइड द फैक्ट्री बोलो, क्योंकि ऊपर वाले मोटर व्हीकल वही थे जो विद इन द फैक्ट्री यूज हो रहे थे, और उसमें से भी हटाए गए थे मोटर व्हीकल 8702, 8703, 8704, 8711, हाँ या ना। अब इनको छोड़ दो तो बाकी मोटर व्हीकल जो बचे, या तो वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में यूज़ हो रहे होंगे या तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में यूज़ हो रहे होंगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में यूज़ हो रहे हैं तो वो मोटर व्हीकल, जरूरी नहीं कि, सुनना ढंग से, मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का काम करता हूँ, आपका सामान है इस जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करता हूँ, मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का काम करता हूं लेकिन आपको गाड़ी किराए पर दे देता हूं, आप गाड़ी ले जाओ अपना सामान दूसरी जगह ले जाओ, हमें किराया दे देना, सामान हमको दे दो हम आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, भाड़ा हमको दे देना। नहीं समझे मेरी बात? दोनों तरीके हो सकते, नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अरे मेरी गाड़ी है तुम मेरे पास आए, भाई साहब ये सामान वहाँ पहुँचा दो, पैसा तुम ले लूँगा, तुम आए मेरे पास भाई साहब गाड़ी चाहिए ले जाओ गाड़ी ले जाओ, किराया दे देना हमको गाड़ी का। देखो दोनों तरीके अलग अलग हैं, या तो मैं सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी लूँ या तो गाड़ी ही तुमको दे दूँ किराए पर, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मोटर व्हीकल डिजाइंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग देयर चेसिस रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, अंडरलाइन कर लेना सर्विस प्रोवाइडर, सोचो कितनी बड़ी बात बोला है, पूरी लाइन में, यानी कि मैन्युफैक्चरर पर अप्लाई नहीं होगा, किस पर अप्लाई होगा? क्योंकि वही तो बात है, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं गाड़ी लेता हूँ, मेरे पास गाड़ियाँ हैं, मैं आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह करता हूँ, क्या मैं मैन्युफैक्चरर हूँ? नहीं। मैंने आपका सामान लिया? नहीं लिया, मैंने अपनी गाड़ी ही आपको किराए पर दे दी, तो क्या मैंने कोई मैन्युफैक्चर किया? नहीं, तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, ठीक है ना। तो प्रोवाइडिंग एन आउटपुट सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल, मैं आपको गाड़ी ही किराए पर दे दूँ, या दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग एन आउटपुट सर्विस, मैं आपको सर्विसेज देता हूँ, आप अपना सामान हमको दो, हम आपको क्या देंगे? सर्विसेज देंगे। और प्रोवाइडिंग एन आउटपुट सर्विसेज ऑफ कुरियर एजेंसी, या मैं उस गाड़ी का यूज़ किस में करता हूँ? कुरियर एजेंसी में करता हूँ, क्लियर है। हाँ बोलो, क्लियर हुआ? पक्का है?
कोई टेंशन नहीं इसमें। कहने का मतलब ये है, कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन में अभी तक हम लोगों ने दो पॉइंट देखे। पहला देखा था नेमली गुड्स फॉलिंग अंडर द चैप्टर 82, 83, 82, 84, 85, 90, 6, 7, 0, 8, क्लियर चैप्टर नंबर। दूसरा मैंने बताया पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट और इन दोनों पर लगने वाले कंपोनेंट्स, स्पेयर्स एंड एसेसरीज। इसके अलावा मैंने बताया मोट्स एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स, रिफ्रैक्टरी एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ट्यूब्स एंड पाइप्स, स्टोरेज टैंक एंड मोटर व्हीकल। 8702, 8703, 8704 और 8711 को छोड़ करके कहाँ यूज होते होंगे ये सामान? इन द फैक्ट्री प्रोडक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, आउटसाइड द फैक्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर द पर्पज ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू यूज इन द फैक्ट्री, और तीसरा सर्विस प्रोवाइडिंग। क्लियर है? दूसरा पॉइंट मैंने बताया मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में यूज़ होता हो, तीन जगहों पर कुरियर एजेंसी, या मैं रेंट पर दे देता हूँ, या मैं सामान आपका इधर से उधर ले जाता हूँ और आपसे फ्रेट ले लेता हूँ, आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर की तरह। क्लियर? तीसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर इंक्लूडिंग देयर चेसिस रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज व्हेन यूज फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, रेंटिंग ऑफ सच मोटर व्हीकल। मैंने वो गाड़ी ही दे दी, आप जाओ, पहले सामान ढोते थे, अब सामान नहीं ढोते, अब आदमी ढोते। तीसरा इम्पार्टिंग मोटर ड्राइविंग स्किल्स, गाड़ी चलाना सीखना है, चार पहिया चलाना सीखना है, मोटर ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, नहीं होते, ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, पीछे लिखा रहता है एल, हाँ गाड़ी के पीछे लिखा रहता है यानी लर्निंग मोड में है, ठीक है ना। तीसरा फोर्थ पॉइंट लास्ट, कंपोनेंट स्पेयर्स एंड एसेसरीज ऑफ मोटर व्हीकल विच आर कैपिटल गुड्स फॉर द एसएससी, दैट्स इट। ये थी डेफिनेशन आपकी किसकी, अच्छी थी ना? अगर ये समझ में आई तो समझ लो आगे की चीजें हम लोग को दिक्कत नहीं करेंगी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर टू, छोटा सा पॉइंट है, दो मिनट लगेगा, ढंग से सुन लेंगे। हम लोगों ने डेफिनेशन किसकी देखी, अब जो डेफिनेशन देखने जा रहे हैं वो है एग्जेम्प्टेड गुड्स। एग्जेम्प्टेड गुड्स का मतलब जानते हो, या तो 0% टैक्स लगे, वो भी एग्जेम्प्ट, सोच लो मैंने क्या बोला, 0% टैक्स लगे। सर आप गलत बोल रहे हैं, 0% इज द रेट ऑफ टैक्स, मैंने पहले भी बताया, लेकिन यहाँ सैनवेट क्रेडिट में जब जब हम एग्जेम्प्टेड गुड्स मुंह से निकालेंगे तब तब उसका मतलब 0% रेट ऑफ टैक्स भी शामिल है। यहाँ तो 100% सामान में टैक्स एग्जेम्प्शन हो, यहाँ तो सामान पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड हो, जितना टैक्स लगना था सारा माफ, 0% भी तो वही है, लगा ही नहीं, वो भी जीरो हो गया, प्लस हो करके माइनस हो गया और ये भी जीरो है। जहां पर 100% एग्जेम्प्शन हो या जहां पर 0% रेट ऑफ ड्यूटी हो, और इसके अलावा जो तुम लोग को यहां सेट करना है, ये दो चीजें तो याद रखनी बड़ी ही आसान है। सर अब जब जब सैनवेट क्रेडिट आएगा और एग्जेम्प्टेड गुड्स बोला जाएगा मेरे दिमाग में तुरंत बत्ती जल जाएगी, इसकी बंद हो रही है। दो चीजें, पहली भाई बत्ती बंद हो रही है तो क्या, इन हम लोरी सुना रहे हैं तुमको, बचपन के दिन याद आ गए, जब मम्मी इसको झूला झूलती थी तो याद है ना, आवाज इतनी अच्छी तो नहीं है। पारी पारा सो रहे हैं सब। हाँ बोलो, कहाँ थे हम लोग? हाँ एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड गुड्स का मतलब कोई टैक्स नहीं लगना, पूरा टैक्स लगा नीचे माफ, 100 रुपया लगा, 100 रुपया नीचे माइनस हो गया, ये एग्जेम्प्टेड गुड्स कहलाता है। दूसरा 0 रेट ऑफ टैक्स हो, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में, नोटिफिकेशंस हैं दो, अंडरलाइन कर लो, 1 डिवाइडेड बाई 2011
हाँ, 1 डिवाइडेड बाई 2011 एंड 12 2012, दो नोटिफिकेशंस है, 1 डिवाइडेड बाई 2011 एंड 12 डिवाइडेड बाई 2012। अब इन नोटिफिकेशंस में क्या बोला गया है, इस पर जो टैक्स रेट है वो है 2%, टैक्स रेट यानी एक्साइज ड्यूटी, और इस पर है 1%। मैंने अभी अभी तुम लोग को बोला एग्जेम्प्टेड गुड्स का मतलब, सोचना जरा, मैंने तुम लोग को अभी अभी बोला, जब जब एग्जेम्प्टेड गुड्स की बात आएगी, जब मैं वहां पर आगे बोलूंगा एग्जेम्प्टेड गुड्स मींस, ये तीनों चीजें कवर होंगी, पहला 0% रेट ऑफ ड्यूटी, दूसरा 100% एग्जेम्प्शन, तीसरा भले ही टैक्स रेट 2% और 1% हो, बावजूद इसके भले ही 2% और 1%, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उन गुड्स की बात कर रहा हूं विच आर कवर्ड अंडर द नोटिफिकेशन 1 डिवाइडेड बाय 2011 और 12 डिवाइडेड बाय 2012। क्लियर है, इन दो नोटिफिकेशंस में आने वाले सामानों को भी हम लोगों ने एग्जेम्प्टेड गुड्स की कैटेगरी में रखा है, भले ही वहां टैक्स रेट 1% एंड 2% है, बावजूद इसके हमने उनको किस कैटेगरी में रखा है, एग्जेम्प्टेड गुड्स। सोचो, तीन तरह के सामान हैं, 0% रेट ऑफ ड्यूटी, और दूसरा 100% एग्जेम्प्शन, और तीसरा नोटिफिकेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2011 एंड 12 डिवाइडेड बाय 2012। अच्छा, 12 में तुम्हारा 2% के रेट, 1% के रेट से है, कोल एंड फर्टिलाइजर आया ना, चलो याद रहेगा इतना। जीरो परसेंट एग्जेम्प्ट नहीं होता, हमने तुम लोग को कुछ अलग बताया, जब जब हम एग्जेम्प्टेड गुड्स की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है 100 रुपये ड्यूटी पहले लगी, बाद में नीचे माइनस हो गई 100, ये कहलाता है एग्जेम्प्टेड गुड्स। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो एग्जेम्प्टेड गुड्स का मतलब हम केवल ये लेकर के चलते, हाँ या ना, पक्की बात है। और देखो वर्ड ढंग से सुनना, एग्जेम्प्टेड गुड्स मींस एक्सेसिबल गुड्स व्हिच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द होल ऑफ द ड्यूटी। क्या बोला है, होल ऑफ द ड्यूटी बोला है, पार्ट नहीं बोला है। अगर 100 में से 60 यहां माफ होता तो भी वो एग्जेम्प्टेड गुड्स की कैटेगरी में आता, अगर ये डेफिनेशन नहीं दी होती तो। लेकिन सोचो ना, लिखा है होल पहला, दूसरा 0% और तीसरा 1 डिवाइडेड बाई 2011 एंड 12 2012 की कैटेगरी में आने वाले सामान हमारे एग्जेम्प्टेड गुड्स कहलाएंगे। अब जब जब हम इस चैप्टर में एग्जेम्प्टेड गुड्स का नाम लेंगे तो उसका मतलब तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, है कि नहीं, नोट कर लो। अरे मेरे लाल, मैंने कहा ना पूरा, पार्टली नहीं आएगा इसमें, बोला तो पूरा, पार्टली कहाँ से शामिल करोगे, नहीं इसीलिए तो इतना अटके थे उसमें। इसमें टैक्स रेट 2% है, इसमें टैक्स रेट 1% है, कोल एंड फर्टिलाइजर पर ये सेक्शन, ये नोटिफिकेशन अप्लाई होता है, बावजूद इसके हम इसको एग्जेम्प्टेड गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं। सैंडविच क्रेडिट के पर्पस से दिमाग में ये बात सेट करो, क्या सैंडविच क्रेडिट के पर्पस से हम लोग भले ही ये सामान 2% और 1% टैक्स लगता है, बावजूद इसके हम उसको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखेंगे। और जब आएगा सेक्शन आगे एग्जेम्प्टेड में, बार बार तुम लोग को याद दिलाता रहूँगा कि देखो 2% 1% भी इसमें आता है, देखो तो वो 0% वाला भी इसमें आएगा, ठीक है ना, याद करोगे इस चीज़ को। ये बेस था तुम लोग का सैंडविच क्रेडिट का, और ये आने वाला समय, अब तीन क्लास या दो क्लास जो और चलेंगी वो तुम लोग के लिए अग्नि परीक्षा है, विश्वास मानो डर आएगा और बहुत भयंकर रूप से आने वाला है। सैंडविच क्रेडिट मजाक नहीं है, बिल्कुल मजाक में मत लेना, एकदम अटेंटिव वे में आना, अपना इस चैप्टर को पढ़ना, अगर ये समझ में आ गया तो फाइनल तक की छुट्टी, सोचो
बच्चे रोते हैं इस चैप्टर में, लिटरली आंसू बहाते, समझ में नहीं आता। हमें तो नहीं समझ में आया कि क्यों समझ में नहीं आता है, बहुत छोटा चैप्टर, 5 मिनट में रिवीजन होता है। कितनी देर में? 5 मिनट में, केवल पन्ना पलटो, रिवीजन करते जाओ, बशर्ते कि हर एक कंसेप्ट यहाँ पर सेट हो। थैंक यू बच्चों।